बिल्लू को फोन करते। हेलो बिल्लू, तुम्हें प्लान अच्छे से याद है ना? सही समय पर तुम्हें शोर मचाना है और वहाँ जितने भी लोग हैं सबको पहले से कॉन्फिडेंस में लेके रखना है। ओके गुड, अब सब लोग अलर्ट रहिए, प्लान बहुत अच्छे से चल रहा है। यही तरीका है हमारे पास इस अतुल को समझाने का कि इज्जत और बेइज्जती के बीच फर्क क्या होता है। क्यों छोड़ा था इसने सुमन को याद है ना? क्योंकि एक बदमाश ने सरेआम सबके सामने सुमन के साथ बदतमीजी की और अतुल और अतुल के माँ बाप का कहना है कि इस सब में सुमन की इज्जत चली गई, उस लड़के की नहीं सुमन की इज्जत चली गई। और अब उन्हें पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है और बेइज्जती क्या होती है। ऑल द बेस्ट। ओके मैडम, समझाएंगे। अब बैठिए, सब लोग बैठिए बैठिए। ओके डॉक्टर साहब, पेशेंट भेजिए। जी सर। मैम आप जाइए, आपकी बारी है। क्या है ना मोहतरमा, किसी दूसरे को भेज दीजिए, अभी हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है। बेगम थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे अरे बैठो तो थोड़ी देर। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर योगेश, आप अपने बेटे को लेके जाइए। योगेश बस क्यों जाएगा, ये तो पहले है, हम तो नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट में जाएंगे, इनको भेजो पहले। आप जल्दी जाइए, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ जानिए यही पे जाना। पापा आगे चलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको कोई बीमारी तो नहीं सर्दी खांसी? जी नहीं है, तो इसका इलाज करो, चेक करो इसको। अच्छा ठीक है, आप यहाँ के बैठिए। बैठे बैठे जी बताइए, क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब सांस 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 में बहुत तकलीफ है, सांस बराबर ले नहीं पाते, अटक अटक क्या थी? देखिए मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, आपको किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए। दांतों में ही दर्द है, मतलब सांस की वजह से दांतों में दर्द है? सांस यहीं से ना दांतों में अटकी हुई है। तो वो बहुत दर्द होता है दांतों में डॉक्टर साहब, वो फोड़ा फोड़ा ऐसे नहीं, वैसा वाला दर्द होता है, फोड़े जैसा दर्द होता है। अभी ने भी ध्यान लीजिए वरना हम यहाँ से चले जाएंगे, कह रहे हैं हम। ठीक है ठीक है, वही ध्यान देंगे। बस सुरभि जी सर, इनको दो इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन आइए, मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। इंजेक्शन की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? इसकी जरूरत है, इसी से आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। नहीं, काम कीजिए, परेशान मत होइए, मैं ही लगा देता हूँ। फिर भी एक काम करो, तुम इंजेक्शन लेकर आओ। जी सर। हम ही बेवकूफ हैं, गधे हैं, हमेशा पल जाते थे, पूरी जिंदगी भुगतना है हमको, अगर नहीं सुधरे तो ऐसे भुगतते रहेंगे पूरी जिंदगी, ऐसे नालायकों की तरह किसी की बातें सुनते अपनी बातें सुनते पागल। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हो गया आपका? हाँ आज का कोटा पूरा हो गया है, चलिए चलिए। हमारी हमारी तबीयत बहुत नासाज है, ठीक नहीं लग रहा है हमें, हमें जाना है। आइए मुदरम आइए। इमरजेंसी, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द है पेट में, दर्द कैसे हो सकता है? ठीक करिए, ये हमारी बेगम गायबा है, हमारी लग के जिगर। ज्यादा नहीं हो रहा है आपको? एक काम करिए, नहीं यहाँ बैठा दीजिए, बैठो बेगम, आराम से बेगम। और सुरभि इन्हें बाहर ले जाइए। बेगम साहिबा आप लोग भी बाहर जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। अच्छा बेटा जल्दी एग्जिट करना आया मैडम, मैंने जो बात की। हाँ बताइए क्या हुआ आपको? हमारे जो दांत है ना, हम कुछ भी खाते हैं ना तो एकदम झुनझुनी सी आ जाती है। यहाँ ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ लेके देता हूँ। मैडम सर से एक बात पूछनी थी, जाके आता हूँ। हाँ। भगवान कहाँ हो भगवान? अरे ये डॉक्टर नहीं है, चलना हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है।
हमारी आबरू पूरा हाथ लो। क्या करेंगे? अरे छोड़िए, अरे वो लाए हैं ना। अरे खून की नदियां बहा दूंगा, कतलो गारत कर दूंगा, यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। हम नवाबदा के डॉक्टर ने आपके मोहतरमा के साथ एकदम बेहूदा हरकत की। वो हरकत क्या की मैं आपको सबको बता नहीं सकता। वो हरकत कहते वक्त मुझे लज्जा आती है। या अल्लाह, हम किसी को मुंह निकालने के लायक नहीं रहे। तुम जाओ। डॉक्टर होके इतनी घिनौनी हरकत, शर्म आनी चाहिए आपको। कैसा गिरा हुआ इंसान है, अपने मरीज के साथ में ऐसी चिचोरी हरकत। छी डॉक्टर, छी। दांत में दर्द है, छी छी कैसे बोल पाती हूँ। चलो भाई चलो, हमें नहीं कराना यहाँ अपना इलाज। अरे मेरी बात तो सुनो। चलो हम भी चलते हैं। हाँ पापा चलो। आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था सर। मुझे नहीं करना आपके साथ काम। अरे सुनो तो। क्या किया आप लोगों ने, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आप? जी डॉक्टर साहब, इसे कहते हैं सही मायने में इज्जत जाना। अब तो आप और सुमन एक जैसे ही हो गए, दोनों की इज्जत नहीं रही। बधाई हो। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। पुष्पा जी चलें? चलिए आइए पुष्पा जी, चलें। हाँ चलिए। मेरे बेटे की सालों की कमाई इज्जत आज मिट्टी में मिल गई मैडम जी। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसकी। अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन आएगा इसके क्लिनिक में, कौन मानेगा इसे डॉक्टर? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया मैडम जी, और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे आपने हमारे बेटे की इज्जत लूट ली। कैसे? कैसे का क्या मतलब? कैसे का मतलब कि कोई किसी की इज्जत कैसे लूट लेता है। ऐसे ही जैसे आपने छीनी है मैडम जी। आपने इस पुलिस स्टेशन के इन महिला को भेजकर मेरे बेटे पर जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया। ऐसे आ रहे हैं मैडम सर कि इनको लग रहा है कि पुष्पा जी ने इनके बेटे पे गलत इल्जाम लगाया और इनके इज्जत का कचरा कर दिया। हाँ। मतलब आप लोग किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे हो। बिल्कुल, आप लोगों का इज्जत चला गया है, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। नहीं पर पुष्पा जी ऐसे कैसे इनका इज्जत खराब कर सकती है? नहीं मतलब ये आपके सुपुत्र हैं तो इनको तो अपना इज्जत संभाल कर रखना चाहिए ना। ऐसे अपना इज्जत खुला छोड़ देंगे तब तो कोई भी लूट लेगा ना। मतलब अरे कोई कैसे अपनी इज्जत कैसे संभाल कर रख सकता है? मेरे बेटे को नहीं पता था ना कि आपकी ये महिला आएंगी और वो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जाएंगी। तो ठीक उसी तरह सुमन को भी नहीं पता था कि कोई सड़क छाप आएगा और उसके साथ ये हरकत करके चला जाएगा। सुमन, आपके बेटे के साथ गलत हुआ आपके हिसाब से आपके बेटे का इज्जत गया, ठीक वैसे ही सुमन के साथ हुआ था आपके हिसाब से सुमन का इज्जत गया। उस आवारा घटिया और सड़क छाप घटिया लड़के का इज्जत नहीं गया जिसने सुमन के साथ इतना घटिया बर्ताव किया। जैसे समाज ये नहीं देखता है कि गलती किसका है, वो सिर्फ इल्जाम लगाता है, ऐसे समाज ये भी नहीं देखता है कि इल्जाम सच्चा है या झूठा। वो इल्जाम होता है जो आपके बेटे पे लगा और आपके बेटे का इज्जत चला गया। हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, क्यों आप लोग अब तक उसी पुरानी सोच में अटके हुए हैं? क्यों किसी बदमाश की गलती की सजा किसी निर्दोष को दे रहे हैं, अपने ही घर की बच्ची को जबरदस्ती गिल्टी फील करा रहे हैं कि उसी ने कुछ गलत किया होगा? हर इंसान की इज्जत खुद उसके हाथ में होती है, उसके काम में होती है, उसके तौर तरीके में होती है, उसके बर्ताव में होती है, किसी सड़क पर चलते आवारा बदमाश के हाथ में नहीं होती। I'm sorry, सुमन।
बात तो पहले भी समझता था लेकिन आज उसे महसूस भी कर लिया। गलत तो गलत होता है, फिर चाहे कोई भी हो। आज मैं अपनी गलती सुधारने की शुरुआत करता हूँ। मुझे माफ कर दो सुमन। आज समझ में आया कि इज्जत कोई मोबाइल फोन या पर्स नहीं, जो कोई राह चलता चोर उसे छीन कर भाग जाए। वो तो दिल से निकलती है, जो तुम्हारे लिए मेरे दिल से हमेशा निकलती है और निकलती रहेगी। मुझसे शादी करोगी सुमन? हमें भी माफ कर दो सुमन बेटा। अब जब बेटे की इज्जत पर बनाई तो समझ आया कि इज्जत तो किसी की भी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इज्जत तो उसकी जानी चाहिए जो दूसरों की इज्जत के साथ खेलते हैं, ना कि तुम जैसी लड़कियों की। सुमन बेटा मुझे भी माफ कर दो। असली मायने में आज पता चला कि असली इज्जत क्या होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है जैसे आप लोगों ने ड्रामा करके मेरी सो कॉल्ड इज्जत छीन ली, कोई ना कोई तिकड़म लगाकर आप मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस लौटा देंगे। मुझे यकीन है इस थाने की जादू की छड़ी पर। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने सुमन जैसी लड़की को खोने से बचा लिया। तो उसके लिए ये तो बनता है ना। जी लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब तक हम थाने नहीं आ जाते आप किसी को कहीं नहीं जाने देंगी, तो फिर क्यों आपने करिश्मा सिंह को जाने दिया? मैडम सर आप जानती है ना करिश्मा जी कैसी, कितनी जिद्दी है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो हमारी एक बात नहीं मानी, अब क्या करें हम? तो कम से कम उनके साथ चली जाती या किसी को भेज देती उनके साथ, इस तरह से अकेले। मैडम सर क्या है? मैडम सर ये, हाँ दिखाओ। क्या ये, क्या ये एक नहीं चार चार कल्प्रिट है। करिश्मा सिंह की जान खतरे में। मां हिम्मत है तो बाहर आओ, सुबह से कान पे शोर मचा मचा के कान कुतर दिए हमारे, सामने आओ वरना बहुत मार लगाएंगे, बता रहे हैं। फोन का ही नहीं लग रहा है। हमारी संतु जी ठीक तो है ना? फोन ही नहीं लग रहा है। रिजेक्शन फोन पे भी? ओह माय गॉड, का रिजेक्शन रे? का रिजेक्शन? फोन पे भी रिजेक्शन?
संतु जी को फोन लगा रहे हैं, फोन लॉक हो गया, हमारा खुल नहीं रहा है। ओहो, झूठ पे झूठ, लॉक उठा तो ही रही है, खुल नहीं रहा है। लाओ मैं खोल देता हूँ, इधर लाओ। तुम कैसे खोलेगा? क्योंकि आई हैव डिग्री एमटीटी। एमटीटी डिग्री? म्युनिसिपैलिटी का टंकी साफ करने का कोई नया डिग्री आ गया है क्या रे? कैसर तुमको पुलिस में जब देखो एकदम गोबर दिमाग। एमटीटी एमटीटी मींस मास्टर ऑफ ताला तोड़ू। हाँ, बिलोटे फिर तो एक डिग्री हमारे पास भी है। कौन सी? एमकेके। ये क्या है रे? मास्टर ऑफ खोपड़ी खोलो, पीछे हर दम मार का खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारा। आवाज करता है बट अरे फोन क्या, पहले खोपड़ी खोल। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। आज फिर अखबार में आया है हमारी बहू की राशि में राहु टहल रहा है। पता नहीं फिर आज किसकी शामत आ गई। और तो और ये भी लिखा है शिवजी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आप उनका ध्यान रखिए। हेलो जी सर, जय हिंद। नहीं सर, आपका आवाज आ रहा, बताइए। जी हाँ सर, आप मैम सीट आईपी। फोन फोन कहाँ है? माँ का फोन आया, आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अबे आवाज बंद कर वहाँ की, बिल्ले कौन है? इसकी सासू मैया की मैया। गाना बजा रहा है। हेलो, गाना बजा रहा है। नवाब साहब का फोन लगा। माँ, नवाब साहब का फोन। ए बक, नवाब साहब का फोन। हेलो, हेलो, हमें कौन है वहाँ पे? अबे आवाज बंद कर। कौन है बे? ये कौन है वहाँ? नवाब साहब। हेलो, तुम भाई मैया की कौन? अम्मा बात करो ना, बात करो, बात करो। गाना का सुना रही हो बे? और इतना लाउड, फिर से कट गया हैं? हेलो अम्मा, तुम्हारे जिंदगी से संबंध खराब हो गया क्या? हाँ, धोएंगे तुमको, बता रहे हैं। ऐसा मारेंगे ना तुमको, खोज निकालेंगे तुमको, हम बता रहे हैं। ये टोपागिरी बंद करो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ थाने से ऐसे मस्ती करने का? हेलो, शांत शांत रहिए। अम्मा सुबह सुबह शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए आजकल आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, शांत रहिए सर। चीते पुष्पा जी, हमारा फोन नहीं खुल रहा, हम संतु जी से कैसे बतियाए? अब हमें तो कुछ इसमें समझ में नहीं आता। आवाज बंद कर। मैं बाहर से है। बाहर से? हाँ 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 भाई साहब, क्या वो हसीना मैडम भेजी है, उनके केबिन का पंखा खराब है ना? हाँ? सुनाई नहीं आ रहा है। पंखा खराब है ना भाई? हाँ हाँ हाँ, आई अंदर है। मैं ये कौन? ये हाँ। छे, डार्क नॉवेल कैसे पढूं मैं? डिस्टर्बेंस ही है। शिवजी ध्यान रखना उनका। संतु जी पता नहीं क्या। बहुत शोर मचा रहे हो ना तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई शोर मचाने की? मैडम हिम्मत कैसे हुआ शोर मचाने का? हाँ, हिम्मत कैसे हुआ? मैडम हमने कुछ नहीं किया। तुमने क्या है? ये किस चीज का शोर है? वही हम कह रहे हैं, किस चीज का शोर है? अरे हम नहीं मचा, हम तो सुन भी नहीं रहे थे मैडम। कटो तुम यहाँ से, कटो, निकलो, जा जा। कहाँ से आ रहा है ये शोर? वही समझ में नहीं आ रहा।
then what? जय हिंद जय हिंद मैडम। जल्दी से इसके फिंगरप्रिंट। ये पुष्पा जी, ये शोर कैसा है? हैं? हाँ? शोर 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 किस बात का है? नहीं नहीं, हम बोर नहीं हुए। देखिए ना कितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो शोर है ना, ये काम करने दे तब। आपने पता नहीं मैडम, फिर आपने कौन से इलेक्ट्रीशियन भेजा है पंखा ठीक करने के लिए? हमने कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भेजा। आ? क्या? हमने कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भेजा। आ? ये कौन? ओह शो रिलीफ। किसकी हरकत हो सकती है? पहले थाने में बार बार फोन करके लाउड म्यूजिक बजाकर परेशान करना और फिर थाने के अंदर स्पीकर रखकर नॉइस पोल्यूशन करने की हिम्मत, ये कौन कर सकता है? मैडम सर, हम सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, पता लगाते हैं कौन ये घटिया आदमी है जिसने सब घटिया हरकत करने का कोशिश किया है। और वो जो फोन कॉल्स थे उनके बारे में कुछ पता चला? फोन कॉल्स भी चेक किए मैडम सर हम, फोन रिकॉर्ड से सिर्फ एक अजीब बात सामने आई कि मतलब ये जो फोन है अलग अलग लोकेशन से किया गया है, लेकिन एरिया सिर्फ एक ही है। कौन सा एरिया? हमारे महिला पुलिस थाना का एरिया मैडम। हाँ संतोष जी, इसका मतलब ये जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। वैसे मैडम सर, एक तरीका है जिससे पक्का पता चल सकता है कि ये काम आसपास में से किसका है। कैसे पता चलेगा? मैडम सर, जमनापुर के चोरी के केस के फिंगरप्रिंट्स लाने चीता जा रहा है ना लैब, तो अगर आप कहें तो ये स्पीकर्स भी भिजवाते हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए। ठीक है, भेज दीजिए इन्हें लैब। पर्सनल लेवल पर अगर वो हमारी मदद कर सकता है तो कुछ पता चल जाएगा। हाँ हाँ, फिंगरप्रिंट से एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये किसी एक का काम है या एक से ज्यादा का। मैडम सर, आपको ऐसे काहे लग रहा है कि ये एक से ज्यादा का काम है? क्योंकि इनमें से दो स्पीकर्स में से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है, और वो भी दो अलग अलग लेडीज परफ्यूम की। पुष्पा जी, कोशिश कीजिए कि ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए। जी जी मैडम सर। हाँ। एक मिनट मैडम सर। हेलो, क्या हुआ मैडम? बस हार मान ली? पकड़ेंगे नहीं मुझे आकर? इंतजार कर रहा हूँ आपका, आइए पकड़ लीजिए, पकड़ सकती हैं तो। क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत अच्छी। ये गया इस। अरे रुकी, तू कहाँ जा रही आप अकेले? कौन हो तुम लोग? ये असली गुनहगार नहीं है।
मैडम मेरा नाम मुकेश है। लोग मुझे कैदी जमीर के नाम से जानते हैं। मैं राइटर हूँ और वो सस्पेंस थ्रिलर वाले जो नॉवेल्स होते हैं ना, मैं वो लिखता हूँ। जमीर कैदी, वो आप हो फेमस राइटर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये देखिए मैं आपकी नॉवेल पढ़ रहा हूँ। आपकी सारी नॉवेल मैंने ऐसे चाट ली है। और देखो ये नॉवेल तो इतना डार्क है, इसलिए मैं ये डार्क चश्मा पहनकर आपका ये नॉवेल पढ़ रहा हूँ। देखिए सर, देखिए क्या आपके नॉवेल है। एक लाश ही लाश, लाश के पास पास, लाश को गुस्सा क्यों आता है, पलाश की लाश, हम लाश लाश है। वाओ सर, ग्रेट ग्रेट। और लाश ही लाश का क्लाइमैक्स टू गुड, पता ही नहीं चलता आखिरी तक किलर कौन है। एक मिनट है, लाश के चक्कर में लाश बन के माने आका तुम, चुपचाप खड़ा रहो ना यार। जी आप बोलिए। ये कहाँ वाइब्रेट हो रहे हैं भैया? मैडम प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है। हाँ हाँ बताइए। क्या बताऊँ, आजकल कुछ सोच नहीं पाता हूँ, राइटिंग पे फोकस नहीं कर पाता हूँ मैम, कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। अच्छा, और क्यों हो रहा है आपके साथ ये सब? शोर, मेरे पड़ोसी का शोर। मैडम वो मनोज मारा इतनी जोर जोर से म्यूजिक बजाता है ना कि मैं जब भी कुछ लिखने जाता हूँ मेरे कान में तानपुरा बजने लगता है। अरे इतनी ऊंची आवाज में वो गाना सुनता है ना मैडम, कि हमारे पति है ना, इन्हें तो बिल्कुल सुना ही नहीं देता है। पहले तो अच्छी तरह से सुन भी लेते थे, लेकिन अभी जब भी उनसे मैं कुछ कहती हूँ ना तो हैं यही करते, और बार बार अपनी नकली बत्ती से दिखाते रहते हैं। ये देखो ऐसे ही करते हैं मैडम, न अच्छे से सो पाते, न अच्छे से बैठ पाते, न अच्छे से पढ़ पाते, न अच्छे से टीवी देख पाते। आपस में बात करना हो तो भी चिल्लाना पड़ता है। ये बाजू वाले ने तो परेशान करके रख दिया है हमें। अच्छा तो प्रॉब्लम पड़ोसी है, पड़ोसी का बदला थाना से लिया जा रहा है। हाँ ना, मतलब हमारे कान पे पीपरी काय बजा रहे हैं इतने टाइम से आप। किसका आइडिया था हमारे कान में घुंघरू बजाने का? ये आइडिया मेरा था मैडम। मैं जानती हूँ मैडम कि ये बहुत गलत बात है, पर प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो पनिशमेंट देंगे मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगी। ये जो कुछ भी मैंने किया है ये मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। मेरी 12th की एग्जाम्स आ रही है, बहुत ट्राई कर रही हूँ फोकस करने के लिए, बट इस शोर की वजह से मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मैं फेल हो गई तो मेरी मम्मी पापा मेरी शादी करवा देंगे, तब मैं क्या करूंगी? मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ मैम, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए एग्जाम्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हम समझ गए, तुम पहले बैठ जाओ। हमारे बिल्डिंग का नाम सुरीली अपार्टमेंट है, और हमारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में एक भल्ला करके अंकल रहते हैं, एडवोकेट है, पार्टीज, लाउड म्यूजिक, इन सब के बहुत बड़े शौकीन है। लगभग रोज पार्टी करते रहते, रोज नाचते गाते, खूब शोर शराबा होता है मैम। तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? क्योंकि एक टाइम के बाद इतना लाउड म्यूजिक चलाना तो अलाउड भी नहीं, ये तो कानूनन अपराध है, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? मैडम सब करके देखा, लेकिन वो भल्ला ना एक नंबर का नल्ला है, ऐसा लगता है डीजे पे पैदा हुआ है। मैडम उसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है, कितनी भी कंप्लेन कर लो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैडम, है ना अंकल? किसी को हमारी तकलीफ की कोई परवाह नहीं है, कोई एहसास नहीं है, इसलिए मैंने ये रास्ता सोचा ताकि आप हमारी तकलीफ को एहसास समझ सके कि जिनके लिए ये शोर सिर्फ एक मजा है वही शोर बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है। देखो हम तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जब हम इतना ज्यादा शोर 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आई एम श्योर कोई भी नहीं कर सकता, और ऊपर से तुम्हें पढ़ाई करनी है, कुछ लोग बीमार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो इस तरह का शोर मचाना गलत है, हम मानते हैं। ठीक है हम करते हैं कुछ। करिश्मा सिंह जी, करिश्मा सिंह एक बात बताइए, आपने अभी तक ये कैसे नहीं बोला कि जाते हैं भल्ला के घर और कंटाप लगाते हैं उसे और उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं? तब जब बोलना चाहिए तब आप बोलती नहीं है, और यही बात हमें रोज आपको समझाना मुश्किल पड़ जाता है। जाइए
जाइए, भल्ला के घर जाइए और उसे प्यार से समझाइए कि इस तरह का शोर शराबा बहुत गलत है, लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है? चलिए तो फिर करते हैं आपकी समस्या का समाधान और इस भल्ला के साथ थोड़ा सा पार्टी वार्टी हम भी खेल लेते हैं। चलिए हमारे साथ। पार्टी बराबर सुनाई दिया बिल्ले, चले। ओए म्यूजिक किसने बंद किया? ओए ओहो, आप भल्ला जी? मैं तो भल्ला ही हूँ। बहुत बढ़िया भल्ला जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब जो आप टोपागिरी करते रहते हैं ना, ये लाउड म्यूजिक जो आप चलाते हैं, शोर शराबा, ये बंद हो जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कि आप तो, आपका तो मस्ती चलता रहता है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो इससे बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको अपने एग्जाम का तैयारी करना होता है, कुछ लोग हैं जो बीमार हैं जिनको जल्दी सोना होता है, कुछ लोग हैं जिनको नौकरी पर सुबह जल्दी जाना होता है, लेकिन इस शोर शराबा के वजह से वो नौकरी पर जा नहीं पाते हैं, समझ रहे? उनको दिक्कत हो रहा है, तो ये बंद करवाइए, जल्दी बंद करवाइए। भाषण तो बहुत बढ़िया चढ़ा आपने मैडम जी, पर आप है कौन? SI करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। नाम तो सुना ही होगा, तो ये भी सुना होगा कि ये अपने मुजरिमों के साथ क्या क्या करती है। क्या है ना सर, पार्टी करने का शौक तो इनको भी बहुत है, लेकिन लॉकअप में वो जो मुजरिमों को है ना बिना म्यूजिक के नचवाती है वहाँ, और इनका जो भौकाल है उसके बवाल के बारे में तो पूरा शहर जानता है। और अगर अपने आप पे आ गई ना, न कायदा देखती है ना कानून, न केस देखती है ना FIR, फिर करती है सुनवाई या फिर तुड़ाई, समझे चाचा? वो भी नो डिस्काउंट। हो गया, हम कर ले या तुमको ही करना है? देखिए ऐसा है, आपके पड़ोसियों ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है कि आप जो है ना रात भर ये शोर शराबा करते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं आप हमारी बात को? आप जल्दी सोया कीजिए ना, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है भाई साहब, बता रहे हैं हम आपको। आप भी जल्दी सोइए, लोगों को भी जल्दी सोने दीजिए। ये पार्टी जो है इसको अब जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बंद कराएंगे। इस बार हम आपको चेताने आए, अगली बार जब आएंगे ना तो यहाँ से घसीट के लेकर जाएंगे थाना में, याद रखिएगा आप हमारी बात, ठीक है भल्ला जी? सुनिए आप अब तकलीफ में मत आइए, ये जो शोर शराब है ये अब से नहीं होगा, भल्ला जी समझ गए। चलिए आप अपने अपने घर चलिए, आ जाइए, चलिए चलिए चलिए, आप लोग भी निकलिए, चलिए। भल्ला, एडवोकेट भल्ला। मैडम जी, ये जो पार्टी आपने बंद कराई है ना, ये मेरी पार्टी है और ये शुरू पल्ला की परमिशन से होती है, तो बंद भी इसको पल्ला ही करता है, ये ध्यान रख लेना आप। ये जो पार्टियां मैं करता हूं ना जी रोज, पहचान है शहर में भल्ला की। लोग क्या देख रहे हो यार, तुम मेरे गेस्ट हो, पार्टी शुरू करो, करो डांस। इनमें से किसी के बस की बात नहीं पार्टी बंद कराना, करो डांस। अपने आप को काबू में रखिए, मैडम सर ने क्या कहा था, सिर्फ बात करके आने के लिए कहा है ना मैडम सर ने, हाँ ये वकील है। चलिए बाद में बात करते हैं, चलिए। मिस्टर भल्ला, मैं हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, ये पार्टी जो है इसको बंद कीजिए। पार्टी अभी कहाँ बंद होगी मैडम जी, पार्टी तो अभी और परवान चढ़ेगी, आप देखते जाओ और ड्रिंक लो यार, डांस करो, लो 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 स्टार्टर लो। ओ
कर रही हो मैडम जी, है? क्या समझती क्या अपने आपको? इम्पोर्टेंट स्पीकर था 50,000 रुपए का, नुकसान कर दिया मेरा, दिमाग खराब हो गया। कटो, सब कटो, पार्टी खत्म हो गई। चीता निकालो सबको बाहर, चलिए जाइए, निकालो बाहर सब, बाहर बाहर। आई आई आज के बाद तुम्हारा खराटों का आवाज भी आना पड़ोसियों को, तो मैया कसम बता रहे घसीटते हुए थाना लेकर जाएंगे और वहां पार्टी कराएंगे तुमसे। समझ गए हमारी बात को? अब जो उखाड़ सकते हो ना उखाड़ो। चलो चलिए चलिए। इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, बड़ा ही गलत पंगा ले लिया तूने एडवोकेट पल्ला के साथ। पड़ोसियों की कंप्लेंट पे सारा रोड़ा मचाया ना तूने, अब पड़ोसी अपनी कंप्लेंट तो वापस लेंगे ही। अगर मैंने तुझसे और तेरे पूरे स्टाफ से सबके सामने नाक न रगड़वाई ना, तो मेरा नाम भी एडवोकेट पल्ला नहीं। हमने आपको वहां इस सिचुएशन को सुलझाने के लिए भेजा था, उलझाने के लिए नहीं। क्या जरूरत थी आपको उसके घर में घुसकर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ने की, उन पर हाथ उठाने की? किसने दिया आपको यह हक करिश्मा सिंह? मैडम सर, इस बार हम इनसे सहमत हैं। वो भल्ला भी इन्हें सुनने पुष्पा जी, आप जा सकती हैं। मैडम सर, पुष्पा जी हमें यकीन नहीं होता कि एक पुलिस वाली होकर आप ऐसा काम कर कैसे सकती हैं। आपने उस पर हाथ उठाया? वो हाई कोर्ट का एक वकील है भल्ला, इस बात को उछाल कर वो कोर्ट कचहरी में घसीट सकता है, हमें हमारे इस पूरे थाने को बंद करवा सकता है। और कितनी बार हमें आपको एक ही बात समझानी पड़ेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं, कानून नहीं। हमारा काम है गलत को रोकना, सजा देना नहीं। करिश्मा सिंह, कब आप कानून कायदा फॉलो करेंगी? कब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगी? कौन सा कानून मैडम सर? हम वहाँ ये सब करने नहीं गए थे। हम वहाँ उनको ये समझाने गए थे कि वो जो शोर शराबा मचा रहे हैं उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। वो भल्ला अपने पैसे और पावर में इतना चूर है ना कि हमसे वो घटिया बर्ताव कर रहा था, हमारी वर्दी का अपमान कर रहा था हमारे सामने। हमको डीजे वाला समझ रहा था कि हम उसका मनोरंजन करने गए हैं वहाँ पर, हमें आग दिखा रहा था। आप बताइए हम कैसे चुप बैठते? वाह, ये बहुत अच्छा है करिश्मा सिंह कि आप गुस्से में आकर जो मन में आता है कर देती हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है ना वो हमें संभालना पड़ता है, ऊपर जवाब हमें देने पड़ते हैं, आपकी ये सारी फजीहत की सजा हमें मिलती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं, आपका तो कुछ नहीं जाता। हम थक गए हैं, हम क्या करें आप ही बताइए, हम क्या करें? हम ये थाना संभालें कि हम आपके काम संभालें? तो हम क्या करें मैडम सर, आप हमें बता दीजिए। हमारे सामने हमारी वर्दी का कोई अपमान करेगा हम उनको तोड़ेंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता हम नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन हम ऐसा बुजदिल वाला जिंदगी नहीं जिएंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, अगर हम कुछ ज्यादा बोल दिए। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने तो बहुत अच्छा आसान सा तरीका ढूंढ लिया है कि आपके जो मन में आता है आप कर देती हैं और फिर धमकी देती है कि नौकरी हेलो मैडम, मैडम जल्दी से यहां आइए। देखिए भल्ला ये बिल्डिंग के सामने क्या कर रहा है। क्या एक सेकंड, क्या भल्ला क्या कर रहा है? प्लीज मैडम, प्लीज जल्दी से आइए। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? कोई रोको ही नहीं। ये क्या क्या हो क्या रहा है वो हमें ठीक से बताइए। मैडम प्लीज जल्दी से आइए यहाँ पे। अरे रुक जाओ। चलिए चलिए चलिए। क्या लगा रखा है तुमने? तोड़ो तोड़ो, तुम्हें दिखता नहीं बिल्डिंग है, लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसे कर, ओए बंद रखियो, गाड़ी मारूंगा और साड़े में तेरे को। ओ यार मैं तो जिम गया था, देखा तो यहाँ पे शोर शराबा मचा हुआ है, तो मैं भी देखता हूँ साला कैसे बिल्डिंग को हाथ लगाते हैं। कि अगर तूने यहाँ बिल्डिंग को हाथ लगाया ना, मैं तेरी नासियाँ पान देनी है। आप टेंशन मत लो जी, अपनी बिल्डिंग के लोगों के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा।
गई तसल्ली? पर गई कलेजे में ठंडक? मैं तुझे कितनी बार कहा था कि सोसाइटी के पचरों से दूर रहा कर। मैडम जी मेहरबानी जो आप आ गए, देखो देखो गरीबों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ये अफसर तो यहाँ तक कह रहा है कि कुछ लोगों ने तो गवर्नमेंट की मार्किंग से आगे कंस्ट्रक्शन कर दिया। बताओ ऐसा हो सकता है? बड़ी गलत बात है। वैसे वो तो अब कुछ भी नहीं सकता मैडम जी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, फॉलो तो इसको करना ही पड़ेगा, होना ही था ये तो। सुनो तुम ज्यादा नाटक मत करो, हम अच्छे से जानते हैं कि ये सब तुम ही ने करवाया है। मैडम जी कैसी बात, मैडम मेरा मशहूर चेहरा देखो, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ इन गरीबों के साथ? एक मिनट, इस बिल्डर का किया दराजी, ये देखो मैडम जी जमीन इसने गलत ली, कंस्ट्रक्शन इसका इनलीगल, घर टूट रहे बेचारे गरीबों के। मैडम जी ये जो सिचुएशन बनी है ना यहाँ पे, ये टाली जा सकती है अगर आप चाहो तो, करना कुछ नहीं ज्यादा। इन मैडम जी ने कल जो मेरे म्यूजिक सिस्टम की तार निकाली थी ना, बस वो दोबारा प्लग लगा देना है और छोटी सी सॉरी बोल देनी। तो मैडम जी आप सोच लो, या तो मैं आपको माफ कर दूं या फिर ये बंदा ये बिल्डिंग साफ कर दे। मैडम जी ये जो सिचुएशन बनी है ना यहाँ पे, ये टाली जा सकती है अगर आप चाहो तो, करना कुछ नहीं ज्यादा। इन मैडम जी ने कल जो मेरे म्यूजिक सिस्टम की तार निकाली थी ना, बस वो दोबारा प्लग लगा देना है और छोटी सी सॉरी बोल देनी। तो मैडम जी आप सोच लो, या तो मैं आपको माफ कर दूं या फिर ये बंदा ये बिल्डिंग साफ कर दे। अगर एक भी इंच आगे बढ़ाना तो मैया कसम तुम्हारा खोपड़ा खोल देंगे हम, समझे तुम हमारी बात को? और तुमसे माफी मांगे हम, गुनहगार से माफी मांगे, वो हाल करेंगे ना तुम्हारा कि जब जब सोगे ना चौक चौक कर उठोगे और एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा, समझे तुम? दिल खुश हो गया जी। हम अपने ऑफिसर, अपने पूरे स्टाफ और महिला पुलिस थाने की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। मैडम सर ये आप क्या? आ भाई बिल्डर, इधर आ जा, इधर आ बेटा, इधर अब तेरा मैं करूं, तेरे को शर्म नहीं आती? एक नंबर का चीटर है तू, और तेरी कंस्ट्रक्शन खराब, तेरे काम खराब, बिल्डिंग तेरी पास नहीं है और जमीन तेरी इनलीगल। और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज के बाद अगर इस बिल्डर ने आपके साथ कोई भी कारस्तानी करने की कोशिश की ना, मैं भगवान की कसम इसके तीतर उड़ा दूंगा, इसको जेल में चढ़ा दूंगा। और ना सिर्फ इसको मैं जेल में चढ़ाऊंगा बल्कि इससे सबको मुआवजे में 1,00,000 रुपया भी दिलवाऊंगा। है 1,00,000 रुपया? और जब आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा ना, सबसे पहले कान की मशीन खरीदना 35,000 रुपए की। हाँ, बोल दिया मैंने इनको। है कर रहा है भाई। थैंक यू बाला साहब, अपने हमारा घर बचा लिया। कोई नहीं बाला साहब, हम हमारी कंप्लेन वापस लेते हैं। कोई नहीं, सब अपने ही बंदे हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्डिंग बचने की खुशी में आज सारी सोसाइटी को पल्ला की तरफ से पार्टी, ड्रिंक्स एंड डिनर मेरी तरफ से। चलो फिर, ओए अब बल्ले, ओए अब बल्ले, मैडम जी, ओ मैडम जी, ओए चलो चलो तैयारी करो पार्टी की, आ जाओ। ओए 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 क्या हुआ है आपको? आपका चेहरा सब भटूरे की तरह फूला हुआ क्यों है? अम्मा मैडम सर को माफी नहीं मांगना चाहिए था उस भल्ले से। क्या मैडम सर ने उस भल्ले से माफी मांगी? हाँ देखा देखा आपने क्या हुआ आपके भौकाल का नतीजा। तो हम क्या करते पुष्पा जी, वो बिल्डिंग तोड़ने चला था भल्ला, कभी कभी भौकाल दिखाना जरूरी होता है भैया।
इस बार तो हमारी नजर में आप भी गलत नहीं हैं, और मैडम से तो कभी नहीं होती। बात अगर वर्दी पे आए तो किसका खून नहीं खोलेगा, मगर आपको भी एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये वर्दी हमें संयम के साथ कानून का पालन करना भी सिखाती है। देखिए, हम मानते हैं आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चिताई या पट। सिक्के की कीमत कभी कम नहीं होती, मगर दुख सिर्फ इस बात का है कि आप दोनों के सही होने के बावजूद वो नालायक गलत भल्ला जीत गया। मैडम, हम इसे कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको भी इस बार लग रहा है ना कि मैडम सर गलत है। तुम टोपा, तुम्हारा दिमाग जगह से खिसक गया है, किसको गलत बोल रहे हो तुम? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मैडम सर को गलत बोलने का? पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मैडम सर कभी गलत नहीं हो सकती, समझ रहे हो हमारी बात को? अम्मा, हम मानते हैं हमारा सोच हमारा नजरिया कभी मैच नहीं हो सकता है, हमें नहीं समझ में आते उनके जज्बाती चोचले और उनको नहीं समझ में आता हमारा तरीका, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैडम सर गलत हो गई है। हाँ, हम वर्दी पर आज बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने लगा दिया एक घंटा, और मैडम सर थाने पे आज बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए उन्होंने माफी मांगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम सर गलत हो गई है। अम्मा, वो SHO है इस थाने की, 100 लोगों को जवाब देना पड़ता है, डिपार्टमेंट के हर लोगों को सफाई देनी पड़ती है, और हम जो रायते फैलाते हैं वो वही तो समेटती है, और कौन समेटता है? मैडम सर कभी गलत नहीं। आज से आप अपनी पढ़ाई यहीं पर करेंगी, एग्जाम की तैयारी यहीं करेंगी। संतोष शर्मा, इन्हें सामने वाले रूम में बैठाइए। आप आइए मेरे साथ। हमने भल्ला से माफी मांग ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मान ही लिया है आप गलत हैं। आपकी सोच, आपका इरादा कुछ भी गलत नहीं है, बस तरीका गलत था। इस भल्ला को समझ में आना ही चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन कितनी गंभीर समस्या है, और ये बात हम उसे समझा कर रहेंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हम समझा देंगे में नहीं, समझा दिया में विश्वास रखते हैं। बाकी जैसा आप कहें, क्योंकि आप हमारी सीनियर हैं और आपका ऑर्डर फॉलो करना हमारा धर्म है। तो मत निभाइए धर्म। जब आपको लगे दिल से कि हम सही हैं, जो कर रहे हैं वो सही, तभी इस केस को ज्वाइन करिए। फिर तो हम क्या ही कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आप सही हैं। हमें लगता है ये भल्ला जैसे लोग जो है वो जज्बाती दही भल्ले खा के ठीक नहीं होते हैं, इसलिए हमें तो क्षमा कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। अरे कहाँ जा रही है, रुकिए तो सुनिए। मैडम सर, एक शक्ति एक मति दोनों की जरूरत है ये केस सुलझाने के लिए। कोई बात नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह खुद सामने से आएंगी और इस केस में हमें ज्वाइन करेंगी। शिव जी, जैसा मैडम सर कह रही है वैसा ही हो। आज की ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई मैडम, बहुत दिनों बाद इतने अच्छे से पढ़ पाई, वो भी बिना किसी शोरगुल के। थैंक यू सो मच मैडम। यू आर मोस्ट वेलकम। अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखो। अच्छी, और आप उस भला को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हाँ ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। संतू, जो कागज चाहिए। पता नहीं हमारी बहुरानी को कब समझ में आएगा कि सास भगवान का रूप होती है और उसी के चरणों में स्वर्ग होता है, मगर हमारी बहुरानी तो हमें स्वर्गवासी बनाने में तुली हुई है। लेकिन पुष्पा जी, आप तो कह रही थी कि आप कैलाशी हैं। आप ही तो कहती हैं कि मरने के बाद आप कैलाश पर्वत में जाएंगी लल्ला के पापा के पास, है ना? तो कब जा रही हैं? अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। हाँ पुष्पा जी, बच्चा भी क्या है अभी?
फैक्ट सच बोल देती है सर तुझिया. क्या सच बोल देती है? हम कह रहे थे कि मैडम सर ने जो भी प्लान बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, मगर जितना हम हमारी बहुरानी को जानते हैं वो भी ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रहेगी. उस भल्ला को सबक सिखाने के लिए जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही होगी. तो आप किसका साथ देंगी, अपनी बहू का कि सीनियर का? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना कि हम किसका किसका. पुष्पा जी, ऐसे लगता है कोई शांत जी गजब कर. ठीक है आप किसका साथ दे समझ में नहीं आ रहा है हमें. पुष्पा जी, इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? ये है ना, एक सेकंड, ये है ना 5 का सिक्का. जी जीते, इसका कोई फायदा नहीं है, दोनों में से कोई भी रिश्वत नहीं लेता. बापरे बाप रे बाप. पुष्पा जी, 5 रुपया रिश्वत कौन लेगा? हमको लग रहा है आपको भी सिंघाड़ा का जरूरत है. भी हम भी खाते रहे थे सुबह इसलिए. हाँ, हम 5 इसलिए निकाले नहीं, सिक्का चित और पट कर लेंगे. अगर चित आया तो हम मैडम सर का साथ देंगे. और पट आया तो करिश्मा मैडम. हाँ हाँ हाँ, उछालो उछालो. 3, 2, 1. बताइए, 5 का सिक्का भी हम लोग के मैडम से डरता है. लेकिन अब करना क्या है? एक आइडिया है मेरे पास. आपके पास? जी, सुनेगा? हाँ हाँ. हम दोनों टीम में शामिल हो जाते हैं क्योंकि दोनों का एम तो एक ही है ना, वो भल्ला को सबक सिखाना. क्या बोलते हैं? बात तो सही है, एकदम सही. क्या गेम खेला सर जी हैं? सामने वाली पार्टी चारों खाने चित और बिल फादे मुझ जैसे बिल्डर पे. ओ भाई, बचाता भी तो मैं ही हूँ तुमको तुम्हारे लीगल मैटर्स में. देख सिंपल बात है, एक दूसरे की पीठ चलाते रहेंगे ना तो दोस्ती गहरी रहेगी और धंधा बढ़िया, समझा? बाकी सारी बातें छोड़, एंजॉय कर चल. राम 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 राम. हे भगवान, भल्ला ने तो हमारे सबकी नींद हराम कर दी. अरे कान के तो पर्दे जैसे फट गए हो. ये देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं कि कातिल और कोई नहीं बल्कि अरे यार, 1 महीने से कातिल अपने चेहरे से नकाब नहीं हटा पा रहा है, अब तो कातिल को अपने चेहरे से नकाब हटा लेने दे भल्ला. यही लग रहा है हमको. मैडम सर से माफी मंगवाया ना तुमने, तुम तो गए बेटा. सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, एक तो भल्ला ने इतना जोर से म्यूजिक लगा के रखा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. मैडम सर के पास जाइए सब. वी आर सपोर्ट सिस्टम. बिलौटा कहाँ गायब हो गया? संतु जी आराम से, संतु जी हाथ पकड़िए हमारा. माँ, अम्मा ये क्या टोपा गिरी है? हमने तो भल्ला के फ्लैट के लाइट का वायर काट दिया था. गजब गजब मैडम, ये भलवा तो इन्वर्टर रखा है.
सत्यानाश उस भल्ले का, सारे प्लान का दही भल्ला कर दिया। मतलब लाइट चली गई तो इन्वर्टर पे पार्टी। वेरी डिसअपॉइंटेड, उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। किससे संतु जी? खुद से चीते, खुद से। उफ, ये मासूमियत। मासूमियत नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। ओह, मासूमियत का सही मतलब अब समझे है। सॉरी सॉरी बिल्लू जी। संतु जी, संतु जी, आज ही शहीद होइएगा क्या? आप रुकिए। नहीं नहीं चीते, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मुझसे कैसे गलती हो गई। मुझे पता होना चाहिए ना कि जो आदमी डेली पार्टी करता है उसके घर पे इन्वर्टर भी होगा। मैडम सर, एक बात है, भल्ले को दिमाग से ही हराया जा सकता है। और ये बात भी सच है कि भल्ला बहुत शातिर, बहुत चलाक इंसान है। मतलब उसको रास्ते पे लाना इतना आसान नहीं है मैडम सर। हमें बहुत तगड़ा प्लान चाहिए। और ये बात भी बहुत जरूरी है कि हमें जो करना है बहुत जल्दी करना होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे उम्मीद बनाया हुआ है, खासकर बिन्नो। उसको उसका पढ़ाई का तैयारी करना, उसके लिए हमें एक अच्छा अच्छा माहौल देना है उसको पढ़ने के लिए। मैडम सर, कुछ कांटा लगाना होगा इस भल्ले के लिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि कमाल कांटे में नहीं, कांटा लगाने वाले में होता है। हर मछली फंस सकती है, बस कांटा लगाने वाला हुनरमंद होना चाहिए। कहां से लाएं ऐसा कोई आइडिया जिससे इस भल्ला को फंसाया जा सके? भल्ला को तब पता चलेगा जब उसके घर में कोई चोर चोरी करने के लिए घुसेगा और उसका सारा सामान लूट के ले जाएगा। और वो भल्ला चिल्लाए चोर 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 चोर, लेकिन उसके पार्टी के शोर में उसका चोर चोर आवाज दब जाएगा। तब उसको पता चलेगा शोर का असली नुकसान क्या होता है। करिश्मा सिंह, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? बहुत बवंडर आइडिया मैडम सर। बिल्लू चंपत, कमाल का आइडिया। थैंक यू मैडम सर। ये बहुत अच्छा तरीका है भल्ला को सबक सिखाने का, उसे समझाने का कि शोर कितना खराब है। और अब ये काम तुम ही करोगे। नहीं, कैसे? ऑफ कोर्स, तुमसे अच्छा ये काम और कर कौन सकता है। अब तुम ही जाओगे भल्ला के घर चोरी करने। इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी पे पैर मारना। नो, नो मींस नो। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। संतोष जी, ये देखिए मुझसे क्या करवा रहे हैं। मैं चोरी नहीं कर सकता, आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। अभी मैं चोरी करने जाऊंगा तो मेरे हाथ ऐसे कांपने लगेंगे। देखो, हाथ तुम्हारा बुढ़ापे की वजह से कांप रहा है बुढ़ऊ। सुख का छुहारा हो गया है तुम। अरे साफ साफ बोल देना यार, कैसा डेयरिंग वाला काम तुम्हारे बस का नहीं है, पिलपिला गया है तुम। इतना तो बकेती करते फिरते हो। ये मेरा थाना है, ये मेरा बिल्लू निवास है। अब जब थाने का नमक अदा करने का समय आ गया तो ऐसे नखरे दिखा रहे हो तुम। चोरी करके थाने लाया जाता है और मुझे चोरी करने के लिए थाने से भेजा जा रहा है। ओह माय गॉड, सो डिसगस्टिंग। बिल्लू जी, आप ये सोचिए ना, आपके वो जो फेवरेट राइटर है वो भल्ला जी के कारण अपनी नॉवेल कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना, है ना? तो अगर जब कोई उनको इंटरव्यू में पूछेगा तो वो आपको ये बोलेंगे ना कि बिल्लू चंपत के वजह से उन्होंने अपनी पूरी नॉवेल कंप्लीट की है। वो नॉवेल आपको डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी इतनी हेल्प की है। और आने वाले जितने भी नॉवेल लिख रहे हैं उसके सेंट्रल कैरेक्टर आप रहोगे। सेंट्रल? सोच बिल्ले सोच, हमारा नाम होगा उसमें। वो लिखेगा बिल्लू चंपत को समर्पित। हो तो क्या? अरे नहीं नहीं, ये नहीं समझेगा संतोष जी। हम करिश्मा मैडम को बोलेंगे, दो मिनट में सीधा हो जाएगा ये। अबे चीते, करिश्मा मैडम का नाम लेकर किससे डरा रहे हो? मुझे? बिल्लू चंपत को? नहीं यार, ये मैं नहीं डरता, बस करिश्मा मैडम के थप्पड़ से डर लगता है, बाकी कुछ नहीं। अरे ऐसे नहीं यार, ऐसे दरोगा तो मैंने बहुत देखे, बस इतनी सी इज्जत करता हूँ इसलिए, बाकी कुछ नहीं। उनके मुंह पे बोल दूंगा चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या बोलेगा बिलोटे? चोरी नहीं करूंगा। चोरी करूंगा, हरदम करूंगा। आप बोले जहां चाहे जब चाहे करूंगा। मोहल्ला लूट लूंगा, सोसाइटी लूट लूंगा, सब लूट लूंगा। बोलिए, आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए। चोरी करेगा बिल्ला, ठीक है? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, भल्ला के घर चोरी कैसे करेगा? मतलब भल्ला अकेला हो तो ना,
वो तो रोज पार्टी करता है। क्या बात है पुष्पा जी, आज काफी मतलब समय के बाद पुष्पा जी ने जो है अकलमंदी का बात किया है। काफी समय की बात का क्या मतलब है आपका? हम तो रोज अकलमंदी की बात करते हैं, आपको हमारी अकलमंदी समझ में नहीं आती क्यों संतु? नहीं तो नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि मैडम सर ने भी जरूर कुछ सोचा होगा, क्योंकि इतनी अहम बात वैसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। बात तो सही है। रुकना यार, ऐसे लग रहा है सब बंदर को चाबी भर दिया है, रुक। तो भल्ला की सोच का बैंड बजाने के लिए अब हमें बैंड बजाना होगा, और पुलिस ट्रेनिंग के कल्चरल इवेंट्स में हम सब ने इतना तो सीखा ही है। हाँ हाँ मैडम सर, हम तो बहुत अच्छा बैंड बजाते हैं। क्या बात है मैडम सर, बहुत 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 बढ़िया आइडिया है, आज फिर बजेगा उस भल्ले का बैंड। इन्वर्टर का वायर काटना है। ओ लाइट कैसे चली गई? ओए अबे ओ ये क्या सापा पड़ गया यार, चलो चढ़ के चेक करते हैं। अरे माफ कीजिए भला साहब, वो क्या है ना, अगले साल 26 जनवरी के दिन हमारा जो है जलसा निकलने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से कर रहे हैं। एक बात बताओ, यहाँ सोसाइटी में टोल बजाने से पहले आपने परमिशन लिया सोसाइटी की? अभी पूछ लेते हैं। दादी जी, मुकेश, बिन्नो, आप सबको प्रॉब्लम है हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने से? हमें कोई एतराज नहीं है, अब बजा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो हमारी भी तो थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना कुछ कर ही सकते हैं ना। और क्या है ना कि पुलिस वालों के काम में दखलंदाजी करना ठीक नहीं है। हाँ। आए दिन अखबारों में फेक एनकाउंटर की न्यूज तो छपती रहती है। हाँ हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन भाई, अरे लेकिन क्या भल्ला जी, अरे सब आदत पड़ जाती है, हमें नहीं पड़ी आदत आपके पार्टियों की आवाज सुनने की। एक काम कीजिए भल्ला जी, आप ना ये रुई लगा लीजिए, आवाज नहीं आएगी आपको। नहीं चाहिए तुम्हारी रुई, रखो अपने पास। बजाइए बजाइए। मैडम जी, मौके की नजाकत देखते हुए आपने जैसे कहा था हमने वैसे किया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। मैडम, हमने तो आपको यहाँ शोर कम करने के लिए बुलाया था। देखिए माफ कीजिएगा, लेकिन आपने आपने तो शोर ही शोर मचा दिया। देखिए आप प्लीज हमारी बात पर भरोसा रखिए, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए कर रहे हैं। सो प्लीज
प्लीज प्लान में हमारा साथ दीजिए, बस बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप में कुछ ऐसा है कि आप पे भरोसा करने का मन करता है। बिलोटे रे रे रे, हंस कह रहा है, तुम हंस कह रहा है कैसे रे तुम? मैं रो रहा हूँ, इतने दिनों के बाद गले पे बैठा हूँ, शटर खोल रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। बस हमको फिक्र इसी बात का कि इतना सेंटी होने के बाद तुम काम ठीक से कर पाया कि नहीं। मैडम सर का प्लान याद है ना? क्या था प्लान? प्लान याद है, जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तीन बार टॉर्च का ऐसे इशारा दूंगा, टक 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 टक, फिर तुम ऊपर आ जाओगी। शाबाश पिलाते हैं, घटिया थर्ड क्लास वाहियात, दुनिया वाहियात है पिलाते। हाँ हाँ, तुम बहुत हुनरमंद इंसान हो बे, तुम्हारे टैलेंट का कदर नहीं करती है दुनिया। हाँ। जाओ बिलोटे, ऑल द बेस्ट है, विजय भव, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ रे? कैसे गलती पे चाकू चुभा ना पिंची। ठीक ठीक ठीक, जा जा बिलोटे, जा जा जा। लाओ मैं आ रहा हूँ। ये मेरे घर में कौन घुस गया? ओके, अब सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। बिल्लू ऊपर से जो है हमें सिग्नल देगा, वो तीन बार टॉर्च को ऑन ऑफ करेगा, ये इस बात का संकेत है कि अब हमें ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही तीन बार ऑन ऑफ होगा हम ऊपर जाएंगे। क्लियर? क्लियर मैडम सर। चीते जोर जोर से बजाओ। हाँ। जोर जोर। कौन घुसा घर में? ओए भल्ला, पीछे मत देखना भल्ला, जो कुछ माल दबा के रखा है ना बस मेरी झोली में डाल दे भल्ला, नहीं देगा तो ये चाकू घोंप दूंगा, खून की नदियां बहेगी। बचाओ 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 बचाओ। मैं भी पुलिस को फोन लगाता हूँ, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ, मैं पुलिस को फोन लगा लगा। मोबाइल इधर दी, इधर दे, नहीं तो गर्दन अलग हो जाएगी तुम्हारी। अब बुला पुलिस को, जितना तुम्हारे अंदर दम है ना चिल्ला। चोर, भाई कोई बचाओ, चोर घुसा है घर में, चोर। मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चोर चोर चोर। सुना? तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आई डोंट थिंक इट इज श्योर, क्योंकि नीचे बहुत शोर है। अभी ये देख, चाकू घुसा डालूंगा, सामान निकाल, सामान निकाल। मैडम सर दो सिग्नल आ चुका। ओके, दूसरा सिग्नल आ गया है, एक बार और जब बिल्लू टॉर्च को ऑन ऑफ करेगा तो हम ऊपर जाएंगे। क्लियर? ओके, तैयार रहना सब लोग। ओए कुछ नहीं मेरे पास देने को, चोर कोई बचाओ, कोई है, कोई सुन रहे, माल निकाल भल्ला। पहचाना भल्ला? भाई कहीं देखा देखा लग रहा है यार तू। और तेरी वजह से मेरे निर्दोष बेटे को सजा हुई है, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने मेरे बेटे की। भाई 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 माफ कर दे भाई, तुझे अपनी जान देकर मेरे बेटे की बर्बादी का बदला चुकाना होगा। भाई अरे छोड़ दे भाई, भाई भाई प्लीज, अरे जरिंदर 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 मुझे माफ कर दे। ये गाना बंद कर लो, दूसरा गाना बजा, हमको डांस करना है रे। का बाबा नाचोगे नहीं? हमको भी तो बजाने का मौका मिले। मैडम वो देखो वहां क्या हो रहा है। ये ध्यान से देखिए, ये बिल्लू नहीं है। नहीं नहीं ये कुछ गड़बड़ है, चलिए 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 जल्दी चलिए। रुको रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रुक जाइए, शांति शांति रुक जाइए। बिल्लू जी
बिल्लू जी मरा या जिंदा है? जिंदा है। मर गया, मर गया। जिंदा है, जिंदा है। ओके शांति शांति, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं इस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा, इसके वजह से मेरा बेटा जेल में है, इसने पैसे लेकर मेरे निर्दोष बेटे को फंसाया है। शांत हो जाइए, देखिए अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका केस रीओपन करवाएंगे और आपको और आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा, ठीक है? आप प्लीज शांत हो जाइए और चाकू फेंक दीजिए। छोड़िए छोड़िए बाबा। शुक्र है, थैंक यू सो मच मैडम जी। कौन कहता है कि पुलिस लेट आती है? अरे बिल्कुल टाइम पे आए आप और मुझे दोनों दरिंदों से बचा लिया। वो मेरा सामान लूटने आया था, ये मुझे जान से मारने आया था। बाल बाल बचाऊं जी मैं, बाल बाल आपकी वजह से। जी बाल बाल तो बचे हैं आप, ऊपर वाले का और अपनी किस्मत का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सच बात तो ये है ये सारा नाटक हम ही ने किया था। ये बिल्लू है, इन्हें चोर बनाकर हम ही ने भेजा था ताकि वो आपको डराए धमकाए और जब आप मदद के लिए चिल्लाए तो किसी को भी सुनाए ना दे, क्योंकि आपने इतना लाउड म्यूजिक बजा रखा है। लेकिन आपकी किस्मत तो देखिए, आप ही के पुराने पाप आपके सामने आ गए और हमने तो बस आपको गलती से बचा लिया, ये हमारे प्लान का पार्ट था भी नहीं। शायद हमसे ज्यादा ऊपर वाला चाहता था कि आप इस सबक को सीख जाएं कि नॉइस पोल्यूशन कितनी गहरी और गंभीर समस्या है। अब समझ में आ रहा है आपको? बल्ला साहब, ऊपर वाले ने इस पूरी कायनात का एक बैलेंस बनाया है जिसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। हर चीज की एक हद होती है और जब भी हम उस हद को पार करते हैं हम नेचर के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ जाते हैं और फिर नेचर अपना बैलेंस वापस लाने के लिए जो सही समझता है वो करता है, लेकिन उसका खामियाजा भुगतता है इंसान। आपके इस जरूरत से ज्यादा शोर की वजह से कितने लोग प्रभावित होते हैं आपको पता है? कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, कोई दिल का मरीज होता है, कोई किसी को सुबह उठ के अपनी नौकरी पर जाना होता है, कितने लोग परेशान होते हैं उसके बारे में आपने कभी सोचा है? बाला साहब आप तो एक पढ़े लिखे इंसान है, आपको तो पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा शोर हमारे कानों के लिए कितना खराब है, हमारे शरीर के लिए कितना खराब है, और सिर्फ हमारे ही नहीं जानवरों चिड़िया इन सब के लिए भी कितनी खराब चीज है। उन्हें इतनी तकलीफ होती है कि कई तो अपनी जान दे देते हैं। आपको इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैडम सर, जिस शोर शराबे को मैं अपना सोशल स्टेटस अपना रुतबा समझता था आज उसी की वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। सही में मुझे अंदाजा इस बात का कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा था जिंदगी में, और आप जितने मेरे नेबर्स हो मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं आइंदा नहीं करूंगा, मैं कान पकड़ रहा हूँ आपके साथ। मुझे किसने मारा, पीछे से किसने मारा, भला बुरा होगा तेरा, किसने मारा किसने मारा, मैडम मेरा FIR लिख लो। लिखा गया FIR, रहो खड़ा चुपचाप। भला साहब एक और बात जी। आपने इनके साथ जो गलत किया है उसे भी सही कीजिए और इस केस को रीओपन कीजिए। बिल्कुल जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं इनकी पूरी पूरी मदद करूंगा और जो भी गलती मेरे से हुई है मैं उसे पूरा पूरा सुधारूंगा जी। चीता ले जाओ इन्हें। चलिए चलिए चाचा, हो गया बस, आई आई चलिए चलो बिल्ले। और अब लाश सामने टेबल पे पड़ी है। संतु जी हमको डर लग रहा है। पॉइंट ब्लैंक शूट। कमरे का एसी ऑन है, चारों तरफ खून की बदबू ही बदबू आ रही है। लाश को जब सीधा किया गया तो उसके नीचे एक खुली किताब मिली। किताब का 19वां और 20वां पन्ना भी खुला हुआ था और उसके अंदर एक मोर पंख भी था। और मोर मोर मोर, कमरे के खिड़की और दरवाजे मजबूती से बंद थे। बाप रे, संतु जब तर नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ लीजिए। ना कोई अंदर आ सकता था ना कोई बाहर जा सकता था, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव कहता है कि कहानी झूठी है, ऐसा खून हो ही नहीं सकता, ऐसा खून हुआ ही नहीं था। ये सब अपराधी ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। डिटेक्टिव बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ये कैसे कह सकती हैं मैडम? वैसे कि जैसे ये डिटेक्टिव कह रहे हैं। देखिए अभी आपने क्या कहा कि
लाश के नीचे एक खुली किताब मिली। करेक्ट। जिसका 19वां और 20वां पेज खुला हुआ था। करेक्ट। क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया में किसी भी किताब का 19वां और 20वां पेज एक साथ खुली नहीं सकता। बुक प्रिंटिंग के फॉर्मेट के हिसाब से हमेशा 19वां और 20वां पेज एक ही पेज के दो अलग अलग साइड पर प्रिंट किया जाता है, ना कि दो अलग अलग पेजेस पर। इसलिए ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है, डिटेक्टिव बिल्कुल सही है और ये एक खुदकुशी है जिसे कत्ल की शक्ल दी गई है। मैडम, एब्सोल्युटली राइट, यही हुआ था। ये देखिए, यही हुआ था इस नॉवल में। आप तो कमाल है मैडम। हाँ तो होंगी ना। अरे मैडम सर है वो, सबसे ज्यादा अक्लमंद है वो। ओके, बहुत अच्छी रही रीडिंग, थैंक यू सो मच। बस 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 बस, ठीक है। चलिए, लेट्स गेट बैक टू। मैडम सर, हमारे पिताजी कहते थे कि सबक वही जिसका शुरुआत खुद से हो। हमें अपने थाना में भी ध्वनि प्रदूषण का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हम ये मशीन लाए हैं मैडम सर, जो हमें समय समय पर ये बताएगी कि हमें कब कब संयम रखना है। वाह करिश्मा सिंह, क्या बात है। आई थिंक ये आपका आज तक का सबसे अच्छा डिसीजन है। आई एम प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद मैडम सर। देखा, ये है हमारी बहू रानी। गुड गुड, चलिए काम करें। जी चलिए चलिए चलिए। वो किताब मुझे दे दे। संतु जी, इसमें लाश ही लाश है। थैंक यू। ओहो, 19वां 20वां पेज कहाँ है? कंफर्मेशन मैडम सर, कांग्रेचुलेशंस आ गया। नहीं, संतु जी कहने का मतलब है कि कांग्रेचुलेशन मैडम सर, कंफर्मेशन आ गया। हम समझ गए। मैडम सर, कंसोल आज ही सेटअप हो रहा है, कल से आप अपना रेडियो शो शुरू कर सकती हैं। आखिर वो दिन आ ही गया, अब मैडम सर का ये भी सपना पूरा होने जा रहा है। पता नहीं आपने कब से ये सपना देखा था ना मैडम सर, कि आप शहर के लोगों के साथ जुड़े और शहर के सारे लोग भी बिना किसी रोक टोक के आपके साथ जुड़े और अपनी मुश्किलें बांटे। आप देखिएगा मैडम सर, आपका ये जो प्रयोग है कितनी बड़ी क्रांति लेकर आएगा पुलिस विभाग के इतिहास में। नहीं 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 पुष्पा जी, हम ये शो किसी क्रांति के लिए नहीं, शांति पाने के लिए करना चाहते हैं। हमें लगता है कि बहुत जरूरी है कि जनता और पुलिस साथ मिलकर काम करें, समाज की बुराइयों को दूर हटाएं, और उसके लिए जरूरी है उन दोनों के बीच दोस्ती होना। बस हम यही एक कोशिश करना चाहते हैं। बिल्कुल मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। माफ कीजिएगा पर सांप के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। उनको कान ही नहीं दिए, उनको सुनाई नहीं आता है, तो ये जो मुजरिमों का प्रजाति है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। आप इनके आगे कितना भी जज्बाती प्रवचन इनको बोल लो, ये नहीं सुनेंगे। ये मिठाई से नहीं, तुड़ाई से समझेंगे। हम इनका तुड़ाई करेंगे, फिर इनको समझ में आएगा कि कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। अरे वाह करिश्मा सिंह, हम इस प्रोग्राम के लिए एक नाम सोच रहे थे और आपने तो हमें नाम बता दिया। कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। वाह 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 वाह, कायदे में फायदा। हाँ, ये बहुत अच्छा टाइटल है हमारे शो के लिए। ना ही कोई धमकी, ना ही कोई रिक्वेस्ट, बस एक बहुत अच्छा सा फ्रेंडली सुझाव, एक एडवाइस कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। देखिए क्या है, पता है, हमारे इस शो का सबसे बड़ा एम है जो पुलिस और पब्लिक के बीच जो ब्रिज है, जो किसी कारण की वजह से बहुत कमजोर हो गया है, उसे मजबूत बनाना। और इस काम में ये टाइटल बहुत मदद करेगा। ये बहुत अच्छी एडवाइस है हमारे शहर के यंगस्टर्स के लिए। कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। हाँ, थोड़ा सुनने में क्लीशे तो नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस फिर ये फिक्स हुआ, शो का टाइटल कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। थैंक यू सो मच करिश्मा सिंह, और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप हमारा साथ देंगे। हम तो खड़े ही हैं मैडम सर आपके लिए, आप किसी भी हाल में किसी भी कीमत में हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, हम उन सारे मुद्दों की लिस्ट बनाते हैं जो मुद्दे हम इस रेडियो शो में उठाना चाहते हैं। ठीक है, गेट टू वर्क। Excuse me. DSP सर। जय हिंद सर।
हेलो जी पतिदेव। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ओ सॉरी माफ कीजिए, हम जरा फोन में बिजी थे। कहिए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो और भी कोई मैसेज करना हो या कोई कॉल करनी हो तो आप कर लीजिए, एक घंटा दो घंटा या शाम को जब भी आप फ्री हो तब बात कर लेंगे हम लोग। वैसे भी आजकल इंसान मोबाइल का गुलाम बन चुका है, मोबाइल के सामने तो इंसान की कोई औकात ही नहीं। कीजिए कीजिए, इत्मीनान से कीजिए आप। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, हमारे सीनियर का फोन था, बात करना बहुत जरूरी था। मैडम सर हमारे पतिदेव का फोन आ गया था, करते नहीं है ड्यूटी पर कुछ जरूरी होता है तभी करते हैं और तभी फोन उठाते हैं। वो मैं मेल्स चेक कर रही थी। हाँ हम भी साथ थे संतु जी के। हाँ? और हम नवम दिल के मरीज एक थे है, उनका फोन आता है तो बात करनी पड़ती है। आप एक काम कीजिए, आप हमारे केबिन में आइए, बैठकर इत्मीनान से बताइए क्या हुआ है। ठीक है आइए। चलो जी बताइए क्या समस्या है, क्या मुद्दा है आपका? देखिए मैडम हमारे घर में भी वही समस्या चल रही है जिसकी चपेट में आज सारी दुनिया है, मोबाइल। हमारे बच्चे संजय और आरुषि सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि हरकतों से भी जुड़वा है। आरुषि सुनना, मेरे ब्रश पे टूथपेस्ट ला के देना। मैं बिजी हूँ ना, खुद ले ले। अरे देना प्लीज, तुझे पता है मैं बिजी हूँ। सुबह उठते ही मोबाइल फोन, ब्रश करते हुए मोबाइल फोन, मुंह धोते हुए मोबाइल फोन, बात करते हुए मोबाइल फोन, यहाँ तक कि हमारी बात सुनते हुए भी मोबाइल फोन। आरुषि दूध की ओर ध्यान देना, मैं अभी आई। ओके मम्मा। ये तो कुछ भी नहीं मैडम, सुबह नाश्ता करते समय मोबाइल, कॉलेज जाते समय मोबाइल, कॉलेज से आते समय मोबाइल, रात को खाना खाते समय मोबाइल, हर जगह बस मोबाइल 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 और मोबाइल। इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी नरक करके रखती है, ये तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? ये देखो एग्जाम सर पर है और ये मोबाइल में लगे हुए हैं, जब देखो मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल। ये देखो ये सॉरी भी अपने माँ बाप को उनके मुंह पर नहीं बोल पाएंगे, टाइप करके दिखाएंगे सॉरी। आप इतनी सी बात के लिए थाना चले आए कंप्लेन लिखाने? ये आपको इतनी सी बात लगती है मैडम? और क्या है, घर जाके दो कंटाप लगाइए, मुर्गा बनाइए, घंटे के लिए अपना पकड़ दिखाने आ जाएगा उनका। देखिए मैडम हम यहाँ पे कंप्लेन लिखवाने नहीं आए, वो जैसे भी हैं हमारे बच्चे हैं, और कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाए वो? और उनमें कोई कमी नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, सेंसिबल है, पढ़ने लिखने में होशियार है, बस ये मोबाइल की लत ने ना उनकी जिंदगी खराब करके रखी। मैडम आज की डेट में यंगस्टर्स का सबसे बड़ा एडिक्शन है मोबाइल फोन, आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि वो इस एडिक्शन की चपेट में है। सब नॉर्मल है क्योंकि इतना मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, पर इस एडिक्शन की वजह से उनकी सोच उनकी ग्रोथ पर इतना सीरियस इफेक्ट हो रहा है ये उन्हें पता भी नहीं है। देखिए मैडम बच्चे धीरे धीरे रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं, ये मोबाइल की उन्होंने अपनी एक अलग सी दुनिया बसा रखी जहाँ पे कॉपी पेस्ट उधार की नॉलेज उनकी अपनी ओन को उनकी अपनी काबिलियत को अपने हुनर को खत्म किए जा रही है। मैडम हमारे बेटी इतने सेंसिटिव है कि अगर उन्हें ये पता भी चला कि हम उनके एडिक्शन की या बात कर रहे हैं तो सेंसिटिव है तो आप कुछ नहीं कहेंगी उनको, सही गलत नहीं बताएंगी, उनका फ्यूचर भाड़ में जा रहा है तो भाड़ में जाने देंगी उसे? हाँ सेंसिटिव है तो हम बच्चों को जो है हम रूई के फाये में संभाल के रखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अच्छे से समझ भी ली है, और हम ये भी जानते हैं कि एज पेरेंट्स यहाँ आकर अपने ही बच्चों के बारे में ऐसा कुछ बताना कितना मुश्किल होगा, इसलिए प्लीज रिलैक्स, हम कुछ करते हैं, हम बात करेंगे आपके बच्चों से। इनफैक्ट हम आप ही के नहीं, हम शहर के सभी बच्चों से इस बारे में बात करना चाहेंगे, अपने रेडियो शो के जरिए। दरअसल हम ये एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं एक रेडियो शो के जरिए लोगों से डायरेक्टली जुड़ सकें और उनकी प्रॉब्लम्स समझ सकें, और हम ढूंढ ही रहे थे इस शो के लिए एक अच्छा सा मुद्दा जो अभी आपने दे दिया।
मोबाइल एडिक्शन सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए प्लीज आप इत्मीनान से घर जाइए, हम करेंगे जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.